हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्रोकैरियोटिक सेल। सो द वर्ड प्रोकैरियोटिक इज मेड अप ऑफ टू वर्ड, दैट इज प्रो एंड द कैरियोटिक। प्रो स्टैंड्स फॉर प्रिमिटिव एंड द कैरियोटिक इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम कैरियन व्हिच मींस न्यूक्लियस। सो इट मींस इट हैज प्रिमिटिव काइंड ऑफ न्यूक्लियस, और हम ये कह सकते हैं कि जो इसका न्यूक्लियस होता है वो वेल डेवलप नहीं होता है और इसमें एक ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है। इसके बारे में डिटेल स्टडी वी विल डू, बट बिफोर दैट वी आर गोइंग टू हैव अ लिटिल बिट ऑफ इंट्रोडक्शन टू दिस टॉपिक। ऑल द ऑर्गेनिज्म कैन बी कैटेगराइज ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ सेल, विच मीन्स जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, वन जिसमें की सेल एब्सेंट है एंड द अनदर जिसमें की सेल प्रेजेंट है। सो ऑर्गेनिज्म जिसमें की सेल एब्सेंट है उनको हम बोलते हैं नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जिसका कि एग्जाम्पल है वायरस। एंड द ऑर्गेनिज्म इन विच सेल इज प्रेजेंट वी कॉल देम सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो जो हमारा सेलुलर ऑर्गेनिज्म है इसको वापस से हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, वन इज प्रोकैरियोटिक एंड द अनदर इज यूकैरियोटिक। ओके, सो यू ऑल नो अबाउट द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। ओके, and the five kingdom classification, if you want to learn them in the sequence, so I have a shortcut for you. Just remember MP fail and becomes PA. So the M stands for kingdom Monera, P stands for kingdom Protista, F stands for kingdom Fungi, again P stands for kingdom Plantae, and the A stands for kingdom Animalia. सो दिस फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, इसमें जो हमारा किंगडम मोनेरा है, ऑल द ऑर्गेनिजम्स ऑफ द किंगडम मोनेरा आर मेड अप ऑफ योर प्रोकैरियोटिक सेल, और जो रेस्ट आपके चार किंगडम है प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमिलिया, इनके सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं दे आर मेड अप ऑफ यूकैरियोटिक सेल। सो हम डिटेल में यूकैरियोटिक सेल का जो स्टडी है वी विल डू इन द अनदर क्लास, टुडे वी आर ओनली गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्रोकैरियोटिक सेल। तो जो हमारा प्रोकैरियोटिक सेल है इसका एग्जाम्पल है आर्चिया एंड द बैक्टीरिया। नाउ लेट अस डिस्कस प्रोकैरियोटिक सेल इन डिटेल। That one thing which you are going to keep in your mind is that हम यहाँ पे जितना भी structure study करेंगे वो prokaryotic cell में present होता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सारे prokaryotic cell में सारे के सारे structure present हो। ओके, मैं आई विल ड्रॉ द डायग्राम, मैं आपको साथ के साथ बताती जाऊंगी कि ये किस में प्रेजेंट होता है, ये किस में प्रेजेंट होता है, एंड आफ्टर दिस आई विल गिव यू अ डायग्राम ऑफ अ बैक्टीरिया सेल। ओके, नाउ पे अटेंशन हियर। सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर विच इज नोन एज द कैप्सल। ये सबसे आउटर स्ट्रक्चर होता है, इसको हम कैप्सल बोलते हैं। इसके बाद जो सेकेंड लेयर होता है दिस इज ऑफ सेल वॉल। सो आई एम यूजिंग अ पिंक कलर चॉक टू रिप्रेजेंट योर सेल वॉल। तो जो हमारे प्रोकैरियोटिक सेल है बेटा, इसका जो सेल वॉल होता है इट इज मेड अप ऑफ पॉलीसेक्राइड्स, पेप्टिडोग्लाइकन और ग्लाइकोप्रोटीन, इनमें से किसी का भी बना होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज पॉलीसेक्राइड्स और पेप्टिडोग्लाइकन। देन द नेक्स्ट इज योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आई एम यूजिंग दिस ग्रीन पर्पल कलर टू शो इट। तो ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, दैट इज अ थर्ड लेयर इन अ प्रोकैरियोटिक सेल। और आपका जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये अंदर की तरफ मुड़ जाता है और एक स्ट्रक्चर बनाता है। दिस इज जस्ट टू इंक्रीज द सरफेस एरिया एंड दिस इज नोन एज द मीसोजोम्स। जोम का मतलब होता है बॉडी, मीसो मतलब मिडिल बॉडी। ओके, तो इट इज अ मिडिल बॉडी फॉर्म बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंटिन्यूड एंड इट मेक्स सेवरल लेयर्स। Okay, and these several layers are called thylakoids. इसको हम बोलते हैं thylakoids. ये जो thylakoids है ये बैक्टीरिया को photosynthesis करने में help करता है. It means it is only present in the bacteria that are capable of doing photosynthesis. मतलब जो हमारा thylakoid है वो उसी बैक्टीरिया में present होगा जो कि photosynthesis कर सकते हैं, और इसका example है cyanobacteria. और ये भी बोल सकते हैं कि साइनोबैक्टीरिया इज द ओनली बैक्टीरिया विच कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। और जो कॉमन नेम है साइनोबैक्टीरिया का वो है ब्लू ग्रीन एल्गे। नाउ लेट अस लेबल दीज थिंग्स। लेबलिंग में आपको एक चीज ध्यान रखनी है, वी विल ट्राई टू लेबल एवरीथिंग
on the right hand side of the diagram. Agar it is not possible, then we will use the another side. So let us write. First is your capsule. Second is your cell wall. Third is your plasma membrane. And this multiple layers are your thylakoids. And this is your mesozoans and helps in respiration. इसका एक और काम है वो हम बाद में पढ़ेंगे. Now ये जो आपका prokaryotic cell है इसमें nucleus present नहीं होता है. तो जेनेटिक मटेरियल तो प्रेजेंट होगा एंड दैट जेनेटिक मटेरियल इज द डीएनए एंड इट इज प्रेजेंट रफली समवेयर इन द साइटोप्लाज्म. ओके सो वेर एवर दैट डीएनए इज प्रेजेंट इट दैट एरिया इज नोन एज द न्यूक्लोइड. उसको हम बोलते हैं न्यूक्लोइड एंड द ऑइड मीन्स लाइक मतलब ये न्यूक्लियस नहीं है बट इट वर्क्स लाइक न्यूक्लियस. दैट इज वाई वी कॉल इट न्यूक्लोइड. तो जो हमारा प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसमें न्यूक्लियर नहीं प्रेजेंट होता है बट वॉट इज प्रेजेंट वी कॉल इट न्यूक्लोइड. देन फॉर एग्जाम्पल यू कैन से ह्यूमेनॉइड मतलब ऐसा स्ट्रक्चर जो कि ह्यूमन जैसा है पर ह्यूमन नहीं है. एग्जाम्पल है आपका चिंपैंजी. देन वन मोर एग्जाम्पल यू कैन टेक लाइक प्लैनोइड मीन्स प्लैनेट जैसा है पर प्लैनेट नहीं है. So these were the example to understand what is the meaning of oid here. So यहाँ पे जहाँ पे हमारा आपका जो DNA present होता है genetic material it is double strands और ये जो पूरा area है आपका ये पूरा area जहाँ पे ये present है इसको हम क्या बोलेंगे we'll call it nucleoid. Okay. Now only single chromosome is present. This is also present somewhere near it. Single strand of chromosome. इसके अलावा हमारा जो prokaryotic cell है उसमें एक circular DNA पाया जाता है जो कि nucleoid region में नहीं present होता. कहीं भी present हो सकता है. मान लीजिए यहां मैंने बना लिया ये है आपका plasmid. अब plasmid का भी बहुत important function है. ये circular DNA होता है और अगर प्लाज्मिड प्रेजेंट है तो हम उसको कहते हैं पॉजिटिव स्ट्रेन. पॉजिटिव स्ट्रेन का मतलब है इट एक्ट्स लाइक अ डोनर मींस मेल मतलब वो सारे प्रोकैरियोटिक सेल जिसमें कि प्लाज्मिड प्रेजेंट है इट विल बिहेव लाइक अ मेल सेल एंड ऑल दो सेल जिसमें कि प्लाज्मिड प्रेजेंट नहीं है एब्सेंट है उसको हम नेगेटिव स्ट्रेन बोलते हैं या रेसिपिएंट बोलते हैं और इट वर्क्स लाइक अ फीमेल सेल. देन द नेक्स्ट थिंग विच इज प्रेजेंट हियर इज राइबोसोम्स इज द स्मॉल सर्कुलर बॉडीज. जोम्स मैंने आपको पहले बता दिया बॉडी तो ये हो गया आपका राइबोसोम्स एंड दे हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस. सिंथेसिस का मतलब होता है प्रोडक्शन. तो जो राइबोसोम्स है दे हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन इन द प्रोकैरियोटिक सेल. नाउ द लास्ट थिंग विच इज प्रेजेंट इनसाइड द प्रोकैरियोटिक सेल इज क्लोरोबियम वेसिकल्स. इट इज अ बिट लार्जर देन द राइबोसोम्स एंड इट इज एक्सक्लूसिवली प्रेजेंट इन सल्फर बैक्टीरिया. ओके सो इट्स नेम इज क्लोरोबियम वेसिकल्स. नाउ द वर्ड वेसिकल वेर एवर यू हर्ड दिस वर्ड वेसिकल्स. वेसिकल का मतलब होता है ऐसा स्ट्रक्चर ऐसा बॉडी विच इज फिल्ड विद अ लिक्विड और यू कैन से अ सैक विच इज फिल्ड विद अ फ्लूइड और एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं हमारा यूरिनरी ब्लैडर विच इज फिल्ड विद अ लिक्विड.
So this was all about the internal things which are present inside the prokaryotic cell. And as I told you that mesosome has one more function, that is it helps in the cell division. So when it helps in the cell division, that is this plasmid will move towards the mesosomes and attach to the plasma membrane. So ye jo plasmid hai aapka, ye move karke yahan pe aa jayega and it will attached to this, means it is attached to the mesosome plus plasma membrane, then this mesosome is going to help in the cell division. Okay, so here we have done with the internal structure of the prokaryotic cell. Now two more things present, that on the outer surface, that is on the outer surface of a prokaryotic cell, hair like structure is present. Okay, and this hair-like structure is called pili. It is plural and pilus is the singular form. So this hair-like structure, many of the students are confused that it helps in the locomotion. Beta, ye locomotion mein ya chalne firne mein help nahi karta hai. Iska kaam hota hai adhesion ka. मतलब ये बैक्टीरिया को बैक्टीरिया से अटैच होने में हेल्प करता है, या फिर अगर बैक्टीरिया को किसी सरफेस से अटैच होना है तो उसमें हेल्प करता है. तो इफ इट इज हेयर लाइक स्ट्रक्चर देन वी कॉल इट पिले, एंड इफ इट इज अ बिट थिकर उसको फिम्ब्रे भी बोला जाता है. सो डोंट कंफ्यूज विद दीज वर्ड्स. नाउ वन मोर थिंग विच इज प्रेजेंट एंड विच एक्चुअली हेल्प्स इन द लोकोमोशन, मतलब जो मूवमेंट में हेल्प करता है बैक्टीरिया सेल के, उसको हम कहते हैं फ्लैजेला. If it is singular, एक present है, हम बोलेंगे flagellum, and if it is present more than one, we will call it flagella. So, it is here. I am making two. So this is your flagella present on this, and it helps in the locomotion. This is your pili, P-I-L-M, and this is your flagella. Now this flagella has a wavy motion, you know, like water, and it helps in the locomotion, especially inside the water. So this was a complete structure of a prokaryotic cell. Now we are going to discuss about a bacteria cell. Here I am going to tell you how we will draw a bacteria cell. First of all, we will draw it in a shape of cylinder. Okay. And we will thick the outer layer. This is the outermost layer. Then we have cell wall inside the capsule. Then after the capsule, we have plasma membrane. Okay. And this plasma membrane move inside and form a body which is known as the mesosome. Then somewhere in the cytoplasm, we will draw that the genetic material or it is the nucleoid region where the genetic material is present. This region is known as the nucleoid region. Then we will have ribosomes, and we will use another shape to represent this store food. I am making this triangle type of structure to show the store food. Then we have hair-like structure throughout the body, and this hair-like structure are called pili. Okay, and now we will draw flagella. Now the whole area of the sphere is filled with cytoplasm,
and we can draw a ring-like structure. This is plasmid. And in some bacteria, when they are in extreme condition, they form endospores. These endospores help them that when the bacteria will die due to this extreme environmental condition, but that endospore will survive, and whenever it will get a favorable condition, it will develop into a new bacteria. So we will draw it as a dense unit. Now let us label. This hair-like structure is your filling. Then this is your flagella. Then second, this is your capsule. This is your plasma membrane. Then the inner word is your plasma membrane, and this purple color is your cell wall. This triangular body is your stored food. This dense body is your endospore. This is your ribosome. This is your mesosome. And this is your plasmid. This is your nucleoid. And it is DNA. And the free area, it is cytoplasm. So this is the complete structure of a bacteria cell. So friend, I hope by this video will be quite helpful for you all of you to understand prokaryotic cell. And if still you find any problem, you can comment me and I'm going to help your problem. And the next topic that we are going to discuss is your eukaryotic cell. And in the eukaryotic cell, we will have a detailed study of plant as well as animal cell. Thank you. Bye and take care.